कैसा मेरा बच्चा यार। रश्मि तुमने कल बनाई थी या परसों बनाई थी वीडियो? मैंने अभी तो तुम्हारी कोई वीडियो दिख नहीं रही है मुझे। मैं प्रोफाइल में नहीं गई तो मैं जाऊंगी तुम्हारी प्रोफाइल में। बहुत डैम ब्यूटीफुल लग रही थी यार तुम। क्या लग रही थी, मैंने कहा ये आई मेरी हीरोइन निकल के। बहुत बढ़िया वीडियो बनाई यार, बहुत अच्छा लगा मुझे। रश्मि ऐड मोहिनी, आज हम बहुत प्यारे टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहले तो मुझे ही नहीं पता हम किस बारे में बात करेंगे। तो हमें ज्वाइन करेंगी शिवांगी। शिवांगी बहन, आपकी ब्लेसिंग, कोविड नेगेटिव हो गया। चलो चलो चलो, माता रानी का शुक्र है। हाय निशा, हाय रश्मि, हाउ आर यू, हाय किटू, हेलो प्रनु, हाय 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 शिवांगी, आई एम हेयर। हाय शिवांगी, शिवांगी इज देयर, वी आर गोइंग टू ज्वाइन हर। रिमेंबर मी और फॉरगेट, आई हैव लॉट ऑफ कन्वर्सेशन लास्ट टाइम व्हेन यू डिसाइडेड टू कम ऑन लाइव ऑन यूट्यूब। ओके ओके ओके, हाय हाय टू ऑल ऑफ यू। वेलकम करते हैं जी मेरी प्यारी प्यारी शिवांगी का। हेलो दी, कैसे हो? मैं बढ़िया शिवांगी, तुम बताओ कैसी हो मेरी बहन? बस मैं भी ठीक हूँ। बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। और बताओ। हेलो रवि जी, हाय प्रिया। तो आज का लाइव सेशन में हमारे साथ बैठी है हमारी शिवांगी। तो जो शिवांगी को नहीं जानते, शिवांगी एक अपना स्मॉल इंट्रोडक्शन दे दो प्लीज। हाय, मैं बेसिकली फैशन डिजाइनर हूँ और साथ में मैं अभी कोविड आइटम्स में भी काम कर रही हूँ। जो लोग कोविड से अभी प्रॉब्लम में है कोविड के, उसके लिए उनके मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर, वो सारे आइटम्स में भी काम कर रही हूँ। अभी मैं मुंबई में हूँ। मैं खुद पॉजिटिव हो गई हूँ यहाँ के। तो कोई दिक्कत नहीं है मेरी बहन, अभी आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हमारे बीच रजत जी है, वो कुछ टाइम पहले वो भी पॉजिटिव आए थे और अब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो कभी भी इस थॉट को आने मत देना, स्ट्रॉन्गली इसके साथ वर्कआउट करना। जहाँ पॉजिटिवनेस है वहाँ कुछ नहीं होगा। माता थैंक तू ब्लेस बच्चा हमारा। यू। सो आज का हमारे कन्वर्सेशन में शिवांगी हमारे साथ कुछ बात करेगी और शिवांगी कोई टॉपिक लेके आएंगी। तो शिवांगी बात करो बेटा, क्या बात करना चाह रहे थे? अभी टॉपिक शुरू करते हैं हम, प्यार और सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों में क्या बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो आपके हिसाब से पहले मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि आप क्या बोलते हो, आपके क्या व्यूज हैं इस पे, बिकॉज आपको शायद ज्यादा लोग सुनना चाहेंगे। नहीं बेटा, ये ऐसा नहीं है, लोग आपको भी सुनना चाहेंगे। देखो ये तो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। प्यार तो इम्पोर्टेंट है, हमारे इस जीवन का जरिया है। हम प्यार के बगैर नहीं रह सकते, ये सच है। बट प्यार इतना ही अच्छा लगता है जहां तक आप अपने आप को ना भूल जाओ, है ना। जैसे आप अपने आप को भूलने लगते हो, आप अब्यूसिव फील करते हो, आप जैसे आपने वर्ड यूज किया था टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक जहरीले दर्दनाक रिलेशनशिप। जरूरी नहीं कोई राइट, थप्पड़ मार रहा है, जरूरी नहीं है कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है। दैट ओनली कॉल्ड वॉयलेंस। वॉयलेंस इज लाइक आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बोल रहा है, आपको डिप्रेसिव कर रहा है, आपके साथ अब्यूसिव बिहेव कर रहा है, या आपको अपने ही सपने पूरे नहीं होने दे रहा है, या आपके ऊपर वो हावी हो रहा है। वो सारी वाइब, दैट्स ऑल कॉल्ड वॉयलेंस, दैट ऑल कॉल्ड वॉयलेंस। सो ऑफ कोर्स सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं है, उससे बड़ी कोई। हाँ, क्योंकि आजकल आजकल क्या चल रहा है कि लोगों को शायद अपने आप को भूल के प्यार को बहुत अहमियत दे रहे हैं, जो कि ठीक है, पर जहां बात दिमाग पे आ जाती है तो आई थिंक मुझे लगता है उसको छोड़ देना चाहिए, ज्यादा बेटर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये शिवांगी, ये बिल्कुल आप जेन्युइन कह रही हो और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप ऐसी बात बोल रही हो। क्योंकि बीइंग अ यंग गर्ल, और आप बहुत छोटे हो एज में, और इस एज में अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और रिलेशनशिप में जहाँ आप घुट रहे हो, चाहे अब वो आपके लव के साथ है या हस्बैंड के साथ है, यस अगर आप अपने आप को
खोख रहे हो, खोखले हो रहे हो अंदर से, नहीं बच रहा है। जब आपको लग रहा है नहीं बच रहा है तो आप छोड़ दो, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ोगे ना शिवांगी, या फिर कुछ कोई भी रिलेशनशिप अगर हम बीच में छोड़ते हैं, तो एक है ना गिलान रहता हमारे अंदर, गिल्ट रहता, फिर हम वापस चले जाते हैं उसमें। आप उस रिलेशनशिप को उतना मौका जरूर दो जितना आप उसको दे सकते हैं, बट उसके बाद पर उसको मुझे लगता है दी कि सिर्फ वहां तक, जहां तक आपको गिल्ट फील ना हो, जहां तक आपको ये फील ना हो कि मेरी तरफ से शायद कुछ कमी, आई थिंक वहां तक, उसके बाद नहीं। हाँ, ये तो मैं भी, जब तक आपका आपका लेवल कितना है उसको बर्दाश्त करने का, उस रिलेशनशिप की इतनी इम्पोर्टेंस क्या है, उस रिलेशनशिप को अगर आप इससे मैच करते हो कि मैंने इस रिलेशनशिप को 10 दिया है और मुझे वापस 10 नहीं मिला है, तो आप अगर लव वन हो, क्योंकि शादी नहीं, लव वन, तो उसको वहीं रोक दो, ओके। बट अगर मैरिड में हो, क्योंकि सिचुएशन बदल जाती है, ये दोनों जनरली की अलग होती है, राइट। तो मैरिड में हो तो उस रिलेशनशिप को थोड़ा सा मौका जरूर दो, पर जब आपको लग रहा है बिल्कुल ही सब खत्म हो गया, खोखला हो गया, तो उसके बाद मौका मत दो, उसको छोड़ दो। क्योंकि एक ये बहुत अच्छी चीज है, मैं देखो कई लोग प्यार के खिलाफ है, मैं कह रही हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, आप प्यार करो। मेरे को भी नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम है। आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है, जब तक यहाँ तक दिल तक रहती है। जिस दिन दिमाग पे आ जाती है उस दिन आपको साइड हो जाना चाहिए। हाँ, और अगर आप शादी से पहले भी कोई प्यार में हो या कोई रिलेशनशिप में, वो भी गलत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शादी एक ऐसा रिलेशनशिप है, आपको अपना 99% क्या 200% तक आपको सोसाइटीज भी बोलेंगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बोलेंगी, घुट घुट के उसको देना पड़ता है मौका, और उसके ही देना चाहिए। बट एक लव वन ऐसा रिलेशनशिप है जो शादी से पहले अगर आपको लग रहा है कि मैंने इसको 2 दिन मौके दे दिए, बट इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटेड टू मी, कट ऑफ, कट ऑफ ऑन दैट स्पॉट, वेरी राइट। वेरी ऑप्शन एट दैट मोमेंट कि मैंने उस रिलेशनशिप को वहीं रोक दूं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहती, भाई मैं अपनी बिकॉज़ लाइफ के पार्टनर के साथ। राइट, बिकॉज़ आजकल हम लोग बहुत आर्टिकल्स पढ़ रहे थे कि लड़कियां अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा के लव में आगे ज्यादा बढ़ने की, मतलब ज्यादा बढ़ती हैं, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अपने मॉम डैड को साइड कर देते हैं, फैमिली को साइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर उनके लिए कहीं ना कहीं लव ज्यादा मैटर करता है, सेल्फ रेस्पेक्ट से ज्यादा। तो फिर शिवांगी एक चीज आती है ना, एक स्टेज आती है प्यार में जिसमें होता है ब्रेन वॉश, वो स्टेज आती है जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, ये स्टेज आती है ब्रेन वॉश। मैं किसी को गलत नहीं कहती, पर वो ब्रेन वॉश हो जाता है, चाहे लड़का कर रहा हो चाहे लड़की कर, वो होता है किसी भी केस में। ऐसा नहीं कि लड़की लड़की के साथ होता है, लड़कों के साथ भी होता है, तभी तो कोई होता है, कहते सब हैं ना कुछ होता लड़की। है। तो वो जो स्टेज आती है ना ब्रेन वॉश वाली, उस स्टेज में हमें कुछ है, बस यही हमारा वो दिखता है। तो इसमें जब आप ब्रेन वॉश में जा रहे हो तो आपको नहीं पता कि वो आपका ब्रेन वॉश हो रखा या नहीं हो रखा, तो वही बेस्ट आदमी दिखेगा। वो आदमी कहेगा कि आज दिन है, तुम कहोगे दिन है, वो आदमी कहेगा तुम गलत, राइट। तुम कहोगे हाँ मैं गलत होंगी, अंदर से कह रहा होगा नहीं यार मैंने क्या किया, नहीं, पर हाँ, तो वो स्टेज होती है। अगर आप ऐसे स्टेज में फंस चुके हो तो मैं ऐसा कहती हूँ कि आप अभी शांत रहो, शादी वादी तक मत पहुंचो, उस रिलेशनशिप को इतना पक्का मत करो, उस हर एक रिलेशनशिप को लंबा खींचो, ताकि है ना आपको कुछ टाइम के बाद ब्रेन वॉश, एक टेम्पररी सिचुएशन होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ईयर से ऊपर नहीं रहते। तुम मेरा ब्रेन वॉश कर दो, मैं तुम्हारा ब्रेन वॉश कर दू, मैक्सिमम इम्पैक्ट जो रहेगा ना अगर हम दोनों अटैच रहेंगे तो 2-4 महीने का रहेगा। उसके बाद अपने आप ही चीजें सामने आएंगी और चीजें क्लियर हो जाएंगी, पता चल जाएगा इसके भी दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, एक हाँ, हाथ। राइट। अभी बट वो ब्रेन वॉश वाली सिचुएशन पे आपको बस कुछ नहीं सोचना, बस ये सोचना मैं इस रिलेशनशिप को लंबा खींच लूं। उस टाइम पे लड़कियां गलती क्या करती हैं, अरे ये छोड़ के चला जाएगा मुझे, शादी कर लेती हूँ, या लड़के हाँ सोचते हैं ये छोड़ के चली जाएगी शादी कर लेती हूँ, यहाँ गलती, अरे छोड़ के जा रहा है फंसा लेते हैं या फंस जाते हैं ना, तो एटलीस्ट हाँ, एक वो श्योरिटी हो जाती है कि फंस गए। हाँ, जब वो छोड़ के ही जा रहा है तो शादी से पहले छोड़ के भाग जाए ना, भाग जा शादी के बाद छोड़ के जाएगा तो दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे, और फिर कहीं के नहीं रहोगे। जो एक फैक्टर आता है ना
जब आप ट्रस्ट खो देते हो अपना, कभार ये ट्रस्ट तब खुदता है जब आपने किसी पे बहुत ज्यादा विश्वास किया और वो उस विश्वास पे पूरा नहीं उतरा, तो आप मन में फैसले लेने से डरने लग जाते हैं। पर गलती तो होती है, इंसान है, कौन गलती नहीं करता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कवारी हो छोड़ के जा रहा है, मैं कह रही हूँ जाने दे, अच्छा हुआ चला गया, 2 महीने के बाद तू ठीक हो जाएगी, 3 महीने में ठीक होगी, 1 साल में ठीक हो जाएगी। बट जो शादी के बाद या और लंबा रिलेशनशिप या कोई ऐसा दाग लग जाता, उसके बाद तुम ठीक नहीं हो सकते थे। बहुत फर्क है, दोनों बहुत फर्क है। हाँ, एक कवारी लड़की लव वन के छोड़ के जाने के बाद जो रोती है, जो दर्द होता है, वो इतना गहरा दर्द नहीं है जितनी एक बच्चा पैदा करके एक माँ और बीबी का पति उसको छोड़ के चला जाए, वो बहुत बड़ा दर्द होता है ना। तो बेटर है, कोई भी लड़की ऐसे दर्द से जा रही है तो बहन टेम्परेरी है, चुटकी वाला दर्द है, चल चक्कू वाला दर्द है, इतना ही है। वो क्या कहते हैं, उससे ज्यादा नहीं, कहा टिकटॉक पे थी, अच्छा वो सनम तूने मुझे छोड़ दिया, वरना कैसे पता चलते दुनिया में इतने स्मार्ट मस्त मस्त मार्ग है। तो मैं कुछ गलत नहीं बोल रही, मैं ये बता रही हूँ कि कुछ टाइम का टेम्परेरी प्यार होता है, प्यार है ना कुछ छलावा होता है। जब हम अपने माँ बाप का प्यार भूल जाते हैं तो यार ये लोंडो लोंडियों का प्यार मतलब बिल्कुल मैटर नहीं करता, कितना फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है, आप मैच्योर हो जाते, आप मैच्योर हो जाते, फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, एक 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 कच्ची बच्ची, एक एक मासूम फूल और एक प्रॉपर खिले हुए फूल में फर्क है, नॉलेज का, इंसान को पहचानने का और हर चीज का फर्क है। वो लड़का मैच्योर हो जाएगा। जलावा आपसे जलावा फूक फूक के चाय पिएगा। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितना गहरे प्यार में थे और कितनी गहरी चोट लगी, जितना गहरा होगा उतनी लंबी चोट होगी। इसलिए थोड़ा कच्चा पक्का प्यार हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं। तो फिर आना जाना वाली चीज है ना, ठीक है आया गया वो तो अलग चीज है, मैटर नहीं करता बेटा। कुछ भी गलत नहीं है जिंदगी में, जिंदगी में इम्पोर्टेंट आप अपने नजरिए को खो दो। आप घुट रहे हो, आप सांस नहीं ले पा रहे हो, चाहे ठीक है ओके ठीक है, मेरे लिए मैं मानू कि मैं नेगेटिव इंसान, मैं मानू कि मैं विलन, पर मेरे लिए मेरे विलन ही दुनिया है। तुम मुझे राम बनाने की कोशिश करोगे, मुझे घुटन होगी, और राम को रावण बनाने की कोशिश करोगे तो राम को भी घुटन होगी। जो जैसा उसको वैसे जीने दो, मैंने दुनिया को नहीं सेट करना, अपनी जिंदगी जीनी, बढ़िया से मत से ये सोच के चलो बस ना। आप किसी को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग ना, उसको अपने हिसाब से चेंज करवा पाओगे, नहीं कर सकते जैसे हो, नहीं कर सकते आप जैसे हो, आपको वैसे ही रहना पड़ेगा, वैसे ही रहना पड़ेगा। अगर मैं किसी के लिए अपने आप को बदल लूंगी तो कितने दिन के लिए बदल लूंगी, कोई टेम्परेरी वाला, एक दिन फिर वो भी सामने आएगा। हाँ, अगर मुझे वो चीज बहुत अच्छी लग रही है, मानो मुझे किसी से प्यार है, कोई लड़का बहुत अच्छा है, मुझे उससे प्यार है और उसके लिए मैंने अपने आप को बदल लिया, कितने दिन के लिए बदल लूंगी, मतलब पेट अंदर करके कितने दिन चल लूंगी, सांस लूंगी, आप किसी के लिए कुछ भी मत बदलो। अगर किसी को आप अच्छे लगते हो तो ऐसे ही अच्छे लगोगे, आप अपने लिए बदलो। मैं जैसे कह रही हूँ मुझे स्लिम होना या मुझे अच्छा दिखना है, तो इसलिए नहीं दिखना कि मुझे किसी के लिए दिखा रही, मुझे इसलिए दिखना है क्योंकि मुझे अपने अंदर नेगेटिविटी दिख रही है तो मैं उसको क्लीन रखूँ। पर वो नेगेटिविटी का ये मतलब नहीं कि वो मेरे पे हावी है, मैं सांस नहीं ले पा रही, मैं खाना पीना छोड़ चुकी हूँ, नहीं नहीं। आई वॉन्ट टू लुक लाइक शिवांगी, बट आई नो शिवांगी ब्यूटी इज समथिंग डिफरेंट विच इज वेरी ब्यूटीफुल। उसकी ब्यूटी के साथ मैं मैच नहीं कर सकती और मेरे पॉइंट्स के साथ वो मैच नहीं कर सकती, सबका अपना पॉइंट है। बट अगर मैं तुम अपना मोटिव लूंगी कहीं ना कहीं कुछ तो जाएगा। लड़का लड़की या माँ बाप का प्यार या कोई भी प्यार आपका टेम्परेरी होता है, माइंड वॉश रहती है इन सब चीजें। आप क्या सोचते हो? मैं भी यही सोचती हूँ मैम, मुझे मैं भी
जैसे मैंने आज आर्टिकल पढ़ा था, मैं टॉक्सिक रिलेशनशिप के ऊपर आर्टिकल पढ़ रही थी, सेम वही चीज है कि किसी को मारना, किसी के साथ गाली देना, वो सिर्फ टॉक्सिक में नहीं आता, किसी को मेंटली टॉर्चर करना, किसी की चीजों में साथ में इन्वॉल्व ना होना या उसको डिग्रेड करना, ये सब भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आता है. आप वन साइडेड रिलेशनशिप आई थिंक नहीं चला सकते. ये वॉयलेंस होता है, ये वॉयलेंस है. लोग करेंगे, उन्होंने अपना शरीर काट के आपको पैदा किया, छोड़ेंगे नहीं. और अगर बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, किसी के मॉम डैड किसी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, नहीं छोड़ते. और अगर कोई भी किसी के मॉम डैड किसी को छोड़ेंगे, हाँ, अगर आप कितने भी प्रॉब्लम में होंगे आपको सपोर्ट करेंगे. हाँ, अगर आपसे गलती हो के वो आपने उनको हर्ट कर दिया तो एक अलग बात है, उस पर मैं नहीं बोल सकती हूँ. और फिर भी अगर आपको लगता नहीं कर रहे पर आप सही चल रहे हो तो आप चलते चलो, वो आ जाए वक्त के साथ. हाँ, आपके आपके कर्म से ऊपर कोई चीज आपको ज्यादा नहीं मिलेगी. जितना हमारा कर्म होगा, जितना हमारे नसीब में होगा, हमें उतना मिलेगा. ये सच है. आपकी थाली में बैंगन का भरता पनीर नहीं होता, किसी में पनीर कभी कुछ है कभी कुछ है. मतलब अब थाली में बैंगन की याद आई तो बोल दिया. सॉरी, कोई बात नहीं. ऐसे आप लाइफ में आते ना, मुझे
नहीं आप आना, जैसे कोरोना खुलेगा आप मिलने प्लीज आना, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी मिलके। और बताओ तुम्हें क्या पसंद? बस ऐसे बस आपसे बात करने मन था, कर ली, बस अच्छा लगा आपसे बात करके, बस इतनी बात करनी थी। हाँ जी बारे में करो, वीडियो बनाओ, मस्त रहो। एक एक ने मुझे कमेंट किया था,
कि इतनी टेंशन चल रही है, तुम वीडियो बना के क्यों बना रही हो? अरे भाई तुम टेंशन ले रही हो, तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैं खुश होना चाहती हूँ, मुझे खुश होने। खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, मतलब हाँ, थोड़ी देर की वो टेंशन से बाहर मैं निकल सकती। बहुत मुझे दुख है कि इतना बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के ऊपर है, जैसे आपको है मेरे पे भी है, बट अगर हम छोटे छोटे पल में खुश हो सके तो खुश हो जाना चाहिए। और अगर आप नेगेटिविटी से भरे हुए हो तो वो आपकी प्रॉब्लम है, वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। लेट मी एंजॉय, एंड मैं बैठ के अफसोस करूँ, नेगेटिव वाइब्स का वेट करूँ, उससे तो अच्छा है लेट मी बी हैप्पी। और माता रानी ना करे कि कल को वो कुछ हो हार जाए, तो उससे तो अच्छा मैंने अपनी लास्ट पल अच्छे से एंजॉय की, मैं हर पल अपना पहले उनको एंजॉय कर लेना चाहिए, तो कल का भरोसा नहीं है। हाँ नहीं, मैं अभी अभी मैं एक दो और डांस में प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर वो मुझसे हो नहीं रहे, मेरी कमर नहीं है ना, कमरा है तो वो लचक अरे नहीं। नहीं, आप तो इतने प्यारे लगते हो ना, मतलब आज जब मैंने देखा मतलब यार दीदी आज कितने क्यूट से लग रहे हो, बहुत क्यूट लगते हो, बहुत ज्यादा, मतलब इतने अच्छे लगते हो कि वो ना क्या बोलूँ मैं। थैंक यू। वो एक ने मेरे को बोला गोलगप्पे जैसी लग रही थी कि मन करता खा जाऊं, मैंने कहा खा जाके मुझे। और अगर कोई नहीं आ रहा तो लड़की भी कम प्यार से आ रही है तो लड़का भी कम प्यार से आ रहा है, वो मैटर करता।
मेरी फ्रेंड है, मतलब इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा, आज उसको देखती हूँ तो खुद को रोना आता है। उसकी लाइफ इतनी ज्यादा स्पॉइल हो चुकी है, खत्म ही हो चुकी है। उसके हस्बैंड एक होती है, जब तक सांसें आ रही है ना, हम सांस ले पा रहे हैं तब तक लाइफ है डाले। उसको ये वर्ड दे देना, उसको बोलना मैंने बोला है जब तक तेरी नाक में सांस जा रही है तब तक तेरी लाइफ, और अगर नाक में सांस नहीं है। वो ही बोल रही थी कि मुझे दी से बात करना, तो मैंने बोला दी ऑनलाइन आती है, सभी से बात करती, जरूर करना आप बात। मैं करती हूँ, और जब तक उसको बोलना कल आ जाएगी, और जब तक उसको ये बोलना, ये मैसेज उसको अगर लाइव में ऐड हो नहीं हो, जैसे नीचे ममता कह गया मुझे ऐड ही नहीं करते, ममता आज का मेकअप तूने अच्छा किया था। ममता मेरी सुनते कश्मीर है, आज का मेकअप ऐड किया था, मैं अभी लाइव इसलिए ऐड करूंगी कि कितने फोन गरम गरम सा हो रहा था, कहीं टेम्परेचर कम बंद ना हो जाए। उसको लास्ट में देना, जब तक दिमाग चल रहा है, नाक में सांस है, दिल में धड़कन है, तब तक तुम मरे नहीं। दीदी आपका उदाहरण देती हूँ, क्योंकि आपके मैंने कुछ कुछ स्टोरीज देखी है, मतलब आपने यूट्यूब पर डाला है, मतलब आप कितने, क्या बोलूँ मैं, आप खुद ही समझ सकते हो। तो मैंने वही बोला, एक बार दी से बात करो, आपका दिल जरूर हल्का होगा, आपको बहुत सारी चीजें सोचने के लिए। आप आज का लाइव उसके साथ शेयर कर देना, और ये उसको, हाँ दीदी, तीन चीज आपके पास होनी चाहिए आपको जिंदा रहने के लिए, धक धक, तक तक, और रामदेव। चलो कल मिलते हैं लाइव में, बाय बाय, लव यू, आप सब लव मेरा बहुत सारा, सॉरी। और जिसको फॉलो बैक कराना, मेरी लास्ट वीडियो पे कमेंट कर देना, जैसे मैं कमेंट देखूंगी मैं फॉलो बैक दे देती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं फॉलो बैक देने में। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय ममता, बाय बाय बिग, बाय, लव यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, वेलकम, बाय दी, बाय। मैं ये लाइव सेव करती हूँ क्योंकि टेम्परेचर हाई हो गया है, और मैं यहाँ से जा रही हूँ, और लाइफ कभी भी एंड नहीं होती है। माता रानी मुझे तो और उम्र दे दे, मैं और ज्यादा जीऊँ, बुढ़ापे में भी जीऊँ, जवानी में भी जीऊँ। बाय बाय, एंजॉय, प्लीज शेयर द लाइव, एंड कल मिलते हैं 9 बजे आप लोगों के साथ, और करते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग 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 बातें। लव यू, टेक केयर।